क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं पंच तत्व में विलीन हो चुकी है मेरी परम पूजनीय दादी माता। और सखियों, यही जीवन का सत्य है। इन्हीं पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हो चुका है और इन्हीं में सबको विलीन होना है। और दादी माता भी साथियों, 11 अक्टूबर रात्रि 12 बजे इस पंचभौतिक शरीर को छोड़कर अपने स्वधाम प्रस्थान कर गए। और क्या ही बोले साथियों, अब जो दादी माता थी वो तो केवल यादों में ही रहेगी, है ना। वैसे दादा तबीयत ख़राब नहीं थी दादी की, बस खाना पीना नहीं खाया और सीधा बात करते करते ही निकल गई। और उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु उनके चरणों में मेरी दादा माता दादी माता को स्थान दे। और साथियों, क्या है ये संसार, एक माया का रूप है। अब हमारी माया जुड़ी है उनसे, इसलिए हमें थोड़ा होता है विरह का, तो होता ही है ना, जब कोई जाता है छोड़कर। 92 साल कम नहीं होते हैं जीवन का अनुभव लेकर, और एकदम से इस धरा धाम से छोड़कर अपने गौलोक धाम स्वर्ग में स्थान है। तो हमें तो पीड़ा होती है, लेकिन जो आत्मा है अब वो चल गई है, तो उन्हें न जाने क्या हो रहा है, वो हम क्या जाने, है ना। लेकिन क्या ही बोलें, शब्द नहीं है इस बिछड़न का मेरे पास, पूरे कुल के पास, पूरे ग्राम के पास। और दादी से जो नाती का प्रेम होता है वो अपनी माता से भी ज़्यादा होता है ना। उतना माँ से प्रेम नहीं होता है, क्योंकि दादी के कंधे में, दादी के घूंगी में पूरा बचपन गुजारा है हमने। चलो क्या करें, है ना, यही जीवन का परम सत्य है। तो चलो, और साथियों आज 9वां दिन हो चुका है, इसलिए मैं कंटिन्यू भी नहीं रह पा रहा था। 9वां दिन है, गरुड़ पुराण भी चल रहा है दादी माता की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और एक बार पुनः दादी माता का जीवन भर उनकी चरणों में रती रहेंगी, जीवन भर उनका आशीर्वाद भगवान प्रदान करें। और उनसे ही है साथियों, हम उनसे ही हम जो कुछ भी हैं सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, पुत्रा शोकम परित्यज्य धृतियास्थाय सात्विकीं, पितुः पिण्डादिकं कुर्यात् अश्रुपातं नकारय। कामराज पुत्र के जो है माता पिता जब चले जाते हैं तो कहा पुत्रा शोकम परित्यज्य, सारी क्रियाएं तभी हो सकती है जब सबसे पहले कहा, जब जो व्यक्ति पंचभौतिक शरीर को जो जीव चला गया है, तो कहा महाराज वह पुत्र जो है धैर्य बांध करके, धृति आस्थाय सात्विकी, धैर्य धारण करके और सात्विक भाव से कहा महाराज पितो पिंडादिकम कुयात, तब जो है जब मृत्यु के स्थान से जो पिंडादिक इत्यादि क्रियाएं होती है, तो कहा रुदन छोड़ करके सुंदर सा सात्विक भाव से वहां पर जो है अश्रुपात अब न करके कामराज सुंदर सा पुत्र को जो है पिंडदान इत्यादि क्रिया जो है प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि कामराज स्नेमाश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वसः, अतो न रोदितव्यम् हि तदा शोक निरर्थकात्। कहा स्नेमाश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वसः, जहां हमने कल श्रवण करा महाराज, यहाँ लिखा था कि जिस समय जो है कपाल क्रिया होती है, ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, उस समय गाढ़ उस समय जो खूब रोना चाहिए, लेकिन जब आज वहां से वापस आ गया है, अपने घर में आ गया है, इन सारी और तो दैहिक क्रियाओं को जब कर रहा है, तो स्नेमाशु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वशः,
तब जो है पुत्र को और जितने भी बंधु बांधव हैं उनको जो है अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा महाराज सीमा शुभ बांधव है तो प्रेतो भुक्ति, जिसके निकट हम रो रहे हैं उसे जो है उन अश्रुओं के मल को जो है भोगना पड़ता है, उसे जो है उतनी बार वहां जो है कष्ट होता है। इसने कहा अतो न रोजी तब्यम ही तदा शोक निरर्थक, क्योंकि अब रोना तो कहा महाराज निरर्थक है, उस रोने से जो है यदि वर्ष सहस्त्राणी सोचती अहर सम न रहा, अगर का एक दिन क्या आप जो है सारा परिवार सारा गांव जो है एक वर्ष तक लगातार रोते रहोगे फिर भी कहा उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि तथापि नैव निधनम गतो दृश्येत करैचित, जिसका एक बार निधन हो गया है जो एक बार इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके चला गया है वो कहा गतो दृश्येत कर दोबारा नहीं दिखने वाला। साथियों दिन की गरुड़ पुराण हो चुकी है और आजकल लोग प्रस्ताव देने आ रहे हैं घर में। चुप जाएगा एक ब्राह्मण देवता तुम ब्राह्मण देवता सुन ले सुखवान हम इतना ले युगना राम नाम मर सब सुखी ये बीच छात्र साथ नहीं मत जय धन की रक्षा में हम इन लगा कि बैंक जमा होगी या पहले पृथ्वी में गाड़ दो तैन 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 भी साथ नहीं हो तैन भी छुट तो धनानी भूमो पशवास गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जना शमशाने, पत्नी लोग जो केवल घर का द्वार तक रोदन करी मेरे फलान नहीं मेरे फलान नहीं बस तक तक सीमित और फिर अपने घरवास हम जन लोग जितना तुम प्रेमी जन तक कोई नाती था कोई है ना बेटा तो कोई भाई था कोई जन भी था सब शमशान घाट कोई अब शमशान घाट का बाद देहे चितायाम शरीर शरीर जो छा चिता मां करगाप नाम की अग्नि से राख अब क्या रही आत्मा पर आत्मा दिखा तो मर्द छानी कर कर्म तो करी मन खराब भोगन पड़ रहे आत्मा कर्म तो करते इन खराब जिन आग लगे जंगल में और भोगने पड़े तुम पक्ष में ये ले ये लेता हूँ क्या ते दुई है गई जिन भाई ते हम देता अब जो छा स्थिति जो छा खा गड़बड़ होगी आत्मा अजर और अमर नैनम चिंदन सस्तानी नैनम दहति पावका न च एनम क्लेरियंति आपो न सोसियति मार्ग जिस आत्मा का कोई अस्त्र काट न सकता हवा उड़े न सकती और आग जले न सकती पानी तय भिजे न सकदो इतनी दिव्य आत्मा अब तय आत्मा के क्या जाला कर्म और कर्म छुए शुभ और अशुभ शुभ कर्म होगा तो स्वर्ग अशुभ कर्म होगा तो नरक पर स्वर्ग भी बलियारी को नहीं नरक तो छह नहीं बलियारी को स्वर्ग भी बलियारी को नहीं
कि तक भोगजन खत्म होगी फिर आएगी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननेशय फिर आएगी तक हित माँ का गर्भ माँ और माँ का गर्भ माँ क्या स्थिति मल और मूत्र की थैली से और तू तू पर पड़ी एक मल बीच में पड़ी इन जीवा और बिरक निस जो छा बिरक नाम की अग्नि और बिरक नाम की अग्नि जो छा तीन थैली जगह जो गर्म करने आप बता इतनी उष्णता ते पेट में वो भोग तब सातवें महीने तय हो सोने सौ जन्म का जो छा तेने अपना कर्म याद उन तक गर्भ में माता का गर्भ तब स्तुति करो अब स्तुति कर दो भगवान को प्रकाश दे प्रकाशित हो जन प्रकाश देव दू गंध सब खत्म हो जाए भगवान आता कभी अपवित्र रह सकते तभी कोई ताप रह सकते अब देख तैन तहमिल भाज दो ये गर्भ ठीक तहमिल अब नीलम हो गए तहम तू न हो गए अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा पर एक बात है मेरा नाम लेगा तो तेरा कल्याण होगा तहन संकल्प कर दे प्रतिज्ञा कर दे कि प्रभु तेरा नाम हम कभी न भूल कभी भी ना तब जब निकाले तो माज बार तो अब कभी नहीं जब मेरे सूती का वायु से पहले वो सूती का वायु से पिटी गई तय खोबड़ी तक ही गंज हुई बड़ी मुश्किल से बाहर है तक ममता फंसेगी माँ की पिता की अहमता माँ की ममता अन्यों की सारी माया चक्र माया चक्र फंसेगी अब होगी कि मैं कहीं दो ही बैठ और तय सब बुझे ली तय माँ का चक्र माँ पड़ेगी पिता का चक्र माँ तय तय नहीं जाएंगे ई मेरा मेरा सब कुछ और जबकि हम कुछ नहीं हम जखन आए ना जखन वो बिसरे लो मूल पुरुष जो छा अमुन बिसरे ली और हम जो छा ये संसार का माया का चक्र माँ फसिकते हैं ते मूल पुरुष की जितने भी जनता छा उनसे बैर करना शुरू करे उनसे सबसे बैर करना शुरू करे क्योंकि हमारा स्वार्थ जैन सिद्ध न हो तेरे नाम ते स्वार्थ की सिद्धि के कारण ही बैर होता है और स्वार्थ यदि नहीं है तो बैर कर भक्त तेरे इंतजार माता खड़ो एक चरण पर खड़ो तो राम जी तैयार कुछ नहीं बोलते हैं वो चल जो तेरी राम जान ले कहा पड़े हो ना तन लक्षण बड़े मेरी जान लगे एक जो छाई दृष्टांत मनाई गई ना सिद्धांत सिद्धांत का समझने का खातिर तेरे मन का समझने का खातिर अब चली गई जब वो तब लक्ष्मण राम जी चलने लगे लक्ष्मण जी चलने राम जी बाद में पूछते उतना ही ध्यान पहले टूटी गई तेरे मसल पकड़े चम लक्ष्मण बोले हमारे ध्यान में आयो ये तो माच ले पकड़ ये सफेद और अंदर इतना दुष्ट अंतर दुष्टा बहिर साधु सा जाए थे बक योन यो वो बक योनी में जाता अब यू बगुलत पहले यू छा पहले कर बैर कर साधु दर्शन कर कपड़ा पर जटा बढ़ाई और अंदर से इतना दुष्ट तो यू अब देखो तेन तेन मछली हमारे मान नहीं था एक मन तक एकाग्र हो परंतु राम जी ने बोली एक गुण तो इसका सलाह नहीं है चाहे वो मछली को ध्यान तो करो पर तेन लक्ष्य तब तक उठे ना तक धौन उठाई नहीं तेन तेन जब तेन वो लक्ष्य पूर्ण ऐसे यदि व्यक्ति भी तेन लक्ष्य का प्राप्त करने के खाते यदि राम पर सब ये पॉजिटिव सोचते तो बको ध्यान देखते हैं बैठ गए आप नहीं आना बैठ गए अरे वो ब्याजी तय कि बंद हो सब कुछ अति पाप करी तय को अब बैठ गए टाइम बोल भाई लकड़ी के इधर ही तक और टाइम बोल जब लकड़ी में पत्ता लगेगा तब हमारी पलक खुलेगी बल अच्छा बल हाँ शिशु की लकड़ी में तय के हृदय में तब रह जाए बंदों को फेंक दी नहीं तो
साथियों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दादी मैया का पाव बड़े बड़े होने बजरगाले।